नमस्कार, माँ भगवती, माँ बागेश्वरी मंदिर प्रांगण तिघरा धाम मऊ में श्रीमद् भागवत गीता अमृत महोत्सव में मऊ के जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी के कर कमलों द्वारा मंदिर गेट का लोकार्पण व पोखरे का सुंदरीकरण हेतु भूमि पूजन किया गया। मेरे पिताजी पुलिस अधिकारी थे और यह स्वभाव भी मुझे रहा कि यह जनपद जब एक जनपद आजमगढ़ रहता हुआ करता था हिस्से का जिलाधिकारी। सन 80 में भी इस जिले को देखा था, आज आप लोग की सेवा करने का अवसर मिला। उस समय मैं विद्यालय में पढ़ता था। सर्वप्रथम वीरों की इस भूमि को मैं नमन करता हूँ, उनके परिवार के शिष्यों में नमन करता हूँ जिन्होंने माँ भारती के लिए अपने प्राणोत्सर्ग किया और देश की अखंडता और एकता को बनाए रखा। साथियों, किसानी क्या होती है यह मैंने बचपन से सीखी। यद्यपि पिताजी पुलिस अधिकारी थे लेकिन गर्मी की छुट्टियां हों, जाड़े की छुट्टियां हों, उन्होंने सदैव हम सारे भाई बहनों को गांव भेजा कि गांव जाना, दादा की दादी की सेवा करना और कोई काम मत करने देना। तो हल भी चलाया है, खाद भी ढोई है, निराई भी की है, पूस की रात में ट्यूबवेल चला के पानी भी भरा है, पहले बैल से भी खींचे जाते हैं, तब भी किया जाता है। तो किसान का दो दर बाद नजदीक से मैंने महसूस किया, लेकिन कालांतर जो मैंने देखा कि हमारा ही किसान कृषि कर्म से भी मुक्त होता है, दिल में कहीं बात कचूटने लगी। आपके जिले में आया, आपके जिले में तमाम प्रगतिशील किसान हैं, उनके साथ बैठ कर चर्चा की, तमाम अन्य वर्ग के लोगों से भी चर्चा हुई, तो लगा कि हम लोग अपने पारंपरिक जो हमारा ज्ञान हजारों साल से हमारे बीच में परंपरा से व्यवहारित था, जिसको हम अपनाए हुए थे, वो हम कहीं भूल गए या हमको उनसे अलग किया गया। उसी चरणों में नमन करते हुए, धर्म की परिभाषा भी यही है, धारणा धर्म नित्या हो धर्मो धारे दे प्रजा। धर्म क्या है? जो सारी प्रजा को धारण करे। लेकिन धर्म को लेकर जो भ्रांतियां हम लोग दिमाग में फैलती गई कि धर्म का अभिप्राय हम लोगों ने मात्र मान लिया कि हम लोग मंदिर में जाए, पूजा पाठ करके चले, वही हमारा था। हमारा आचार व्यवहार कैसा हो इसको हम लोगों ने तिरंगली दे दी। जबकि अगर आप देखें